छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अलग अलग कार्यों के लिए सरकारी खजाने से 1,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इन पैसों से राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में CCTV लगाने के साथ साथ आधुनिक शौचालय बनाने और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। दुर्ग निकाय को मिले 25 करोड़ रुपए पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा उपाध्यक्ष KS चौहान ने कहा कि सरकार से मिले राशि में से 11 करोड़ रुपए तो सिर्फ शिवनाथ नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत हैं। यह समझ से परे है कि जब इनकी ही सरकार है तो दुर्ग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के 1,000 करोड़ के बजट रखा गया, उसमें 100 करोड़ रायपुर को दिया गया है, 50 करोड़ बिलासपुर को दिया गया है, 60 करोड़ भिलाई को दिया गया है और मात्र 25 करोड़ रुपया दुर्ग नगर निगम को दिया गया है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब उन्हीं की सरकार है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दुर्ग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर वहाँ से फंड नहीं ला पा रहे हैं, इनको इनकी क्षमता नहीं है कि वो वहां पर अपनी सरकार से गुहार लगा सके, अपनी सरकार से अपना हक मांग सके, ये भी इनके बस में नहीं है। तो और ये अभी जो बजट पेश करने वाले हैं, जब उनकी आय ही कम होगी तो आप बजट कुछ भी करिए, लाभ का करिए, हानि का करिए, लेकिन आप उतना खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो बेवकूफ बनाए रहे हैं आप जनता को, अपना खुद का वो आप कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसका ठीकरा जो है वो दूसरों के ऊपर मरते हैं। ये इससे अच्छा ये था, नेता उसको बोलते हैं, जैसे हमारी सुश्री सरोज पांडे जी पूर्व जिनमें जो महापौर थी, वो तो योगी की सरकार में भी वो भिलाई से ज्यादा यहाँ पर बजट लेके आती थी, वो दूसरे जो शहर थे वहां से नगरी निकाय से भी ज्यादा बजट लेके आती थी। ये होती है एक नेता की क्वालिटी, आपको महापौर जी आपको 25 करोड़ रुपए मिलने में आप ये सहज हर्ष स्वीकार कर लेंगे, ये हमारे को ऐसी उम्मीद नहीं है, आप वहां पर जाइए, आप वहां पर आंदोलन करिए, आप वहां पर मांग करिए ताकि हमारे दुर्ग को ज्यादा से ज्यादा बजट मिल सके।